काम सी डबल जिला सरसे हरियाणे से आए। क्या नाम आपका? जरनैल दास है। यहाँ पर किस लिए आए हो? हम अपने भी एक साल हो गए, मतलब भी आक्रमण किए, पूरा काला डे बनाए काला डे। ब्लैक डे किस लिए मना रहे हो? गुरु जी ने में लाया सरकार ने बाहर निकालो और परमात्मा के बीच साहब देवता है इन्होंने ज्ञान इन्होंने प्राप्त कोई भी संत ज्ञान नहीं। जैसे नानक जी के बारे में नानक जी ने कहा वाहेगुरु, वाहेगुरु कौन है? हाँ जी, वाहेगुरु गुरु नानक देव जी ने कबीर साहब को कहा जी बाहर मैंने वड्डा गुरु मैंने चुन सब एक गुरु ग्रंथ साहब असं पहले तो पढ़ते रहे जी सानू भी जो टेलीविजन के सत्संग सुनी असं तेरे साथ कद आए सिद्धा वाली जी जो अभी सत्संग देखी बाई बाबे वाली जन्म सत पाई ज्ञान का भेद कराया तो असि माल मन के गुरु नानक देव जी कबीर साहब की बाणी चो सारी साढ़े याद है पर बारे सानू परमात्मा सतगुरु राम पाल जी ने खोल के दिखाई फिर असि आ गए मतलब 20 दिन 13 नानक जी के गुरु कौन थे? कबीर साहब है जी गुरु नानक देव। लेकिन सिख धर्म समाज में तो ये माना कि नानक जी कोई गुरु नहीं थे, ऐसा क्या कारण है? ये कारण है कि सिख धर्म है जो कहता है गुरु नानक देव का शब्द गुरु सी का ठीक है जी ये बाणी गुरु नानक देव की आज तक किसी भी मतलब सिख धर्म तो खोली मिली श्लोक मल पहले थी कि भाई सुत मलखी बेस के गबाड़ा की देश खरा सियाना बहुता बारे दान गुरु प्रहार करता। ये कहाँ लिखा हुआ है? गुरु ग्रंथ साहब जी 24 नंबर पेज पर लिखा है और 721 मेरा खिन आवत दिन डाला ताकि संगत नान रहता कैसे बहुत नमूरा पा कि मुड़के मेरा जन्म नहीं होगा मैंने पूरा सब बाकी सारे गुरु ग्रंथ साहब के बीच सारा चीज बोल के देख लो सतगुरु की महिमा गाई हुई है श्लोक मल्ले पहले की बाणी कबीर साहब की बाणी यह प्रमाण है बाकी जिन्हें भी गुरु हुए हैं उन्होंने भी सतगुरु की महिमा कलम तोड़ लिख सकती है पर सिख धर्म मतलब ग्रंथ साहब आंदा सतगुरु भी उन्होंने कहते हैं मतलब इन्होंने पूरे ज्ञान के बिना गुरु तो बिना समझन की लड़ है सतगुरु रामपाल जी का टेलीविजन से प्रोग्राम देख के आपू अपने घर बैठ के बुद्धि अपन दे सकती है परमात्मा ने कम से कम अपने ग्रंथ साहब देखने जरूरी है क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी ले गया कल जब में नाम आधार सिमर सिमरना रुकने जिनकी भी बाणी है सारे संत सच पे सर से पूरे गुरु के जाने एक ओंकार को लेके 18-20 तक गुरु ग्रंथ साहब की सारी महिमा सतगुरु की बड़ी पूर्ण गुरु की क्या पहचान है? गुरु की पहचान पूर्ण गुरु की पीठ साहब ने दसिया जी पूरे गुरु के लक्षण कहो मुद्रे बहन मनोद चार वेद सठ शस्त्र कहे 18 पूरा गुरु हो ना जेड़ा वह कदाल अपने वेद प्रदेव गुरु ग्रंथ साहब बाइबल प्राण सेव कुरात इंजल जंगूर उन्होंने को प्रमाण करके सिद्ध करूंगा व्याक्षर इतने लिखा है जिम्मे गीता के लिखा है अठवे अध्याय का तेरहवें अध्याय का धर्म है सिख धर्म में बहुत से धर्म गुरु है और सिख धर्म के जो धर्म गुरु है उनमें संत रामपाल जी महाराज में क्या अंतर है? उनमें अंतर धर्म गुरु है जो कीर्तन करते हैं वो मतलब उसकी व्याख्या बड़ी गई देखी ना मैं एक बड़ी ज्ञानी जो एक बंदा होंगे मैं जो को गल करी भी संत राम वाल का प्रोग्राम देखो वो कहना भी जपजी साहब दियाँ असियाँ मतलब ये टीके देखे कहना 60 टीके पढ़े असि 60 टीकिया की अटो की व्याख्या कहना सानू आप नहीं समझ आती मान लो वो लिख के तो फिर वो कुछ संस्कृत शब्द है कुछ कई भाषा के शब्द है जी तो
ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਐ ਪੜਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਿਆ ਬਤਾਇਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਹਾ ਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਬੀਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਬੀਰ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਬੀਰ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉੱਤੀ ਪਾਈ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ ਵੀ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਧਰਮੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਧਰਮੇ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਸ ਲੈ ਗਿਆ ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਧਰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲਾਉਂਦੇ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅੰਕਲ ਪੜ੍ਹੇ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋਕ ਭਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦੇ ਭਗਤ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਖੜਕੇ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਭਾਅ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁੱਤੀ ਦਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਗਦਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ